गुड मॉर्निंग, मेरा थोड़ा गला सा बैठा हुआ है और ये देखिए आज की जो व्लॉग है यहाँ से उसने स्टार्ट किया है। ये देखिए इसकी फिजियोथेरेपी हो रही है, खेल खेल में होती है, बातों बातों में होती है। और जैसे ही मैं घर आती हूँ तो बस देव लग जाते हैं, चलो चलो दूसरे नाना क्या, चलो दूसरी नानी क्या, चलो। ये देखिए मामी मामा जी लोग और ये हर्षित सुबह। और ये देखो न्यू स्कूटी आई है मामी के लिए। अच्छी है, देख चढ़ के बताना तो, देख चढ़ के बताना तो। ये देखो इन्हें शौक लगी है, अभी ये स्कूटी में ही घूम घूम के आ रहे हैं। अच्छी है हाँ। और ये देखो ये सैमसंग की वॉशिंग मशीन है, अभी अनपैक होगी, जब अनपैक करना तो हमें बुला लेना। ये देखो फ्रिज तो लग गई है। ये देखिए हर्षित इधर आ जरा। अरे वाह, कितने लीटर की है मामा? अभी खुलेगा नहीं, वो बंद है सब, अभी इंतजार करने आएगा ना 3 बजे। देख रहे हो, देखो जो। अरे वाह, कितनी अच्छी है देव, अच्छी है। बंद करो, बंद कर दो, अब्बास बंद कर दो। वेरी गुड। ये अफवाह में एक प्लेन का मॉडल खड़ा हुआ है जिसे देख के देव बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। ऊपर उड़ जाता है क्या? और ये एंट्रेंस है, ये देखिए अफवाह का जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसी में ये एग्जीबिशन लगी थी। तो मैं कोशिश करूंगी जो थोड़ा बहुत मैं शूट कर पाई हूँ वो दिखाने की। तो ये स्टार्टिंग में कुछ जॉब इशू रिलेटेड ऐसा कुछ था, फिर ये सिल्क का पूरा एक दुपट्टे और साड़ियों का स्टॉल था। अरे वाह। फिर थोड़ा सा आगे जाने के बाद मेरे को एक ये कुर्तियों का स्टॉल थोड़ा अच्छा लगा था, बट मैंने यहाँ से लिया नहीं था क्योंकि थोड़ा साइज का इशू मेरे को ऐसा लगता है। ये एक चिकन का एक सिंगल स्टोर था जिसमें मतलब कुर्तियाँ लॉन्ग सूट सब अवेलेबल थे। फिर उसके बगल में ये वॉलेट स्टोर था, तो वहाँ पे मैंने थोड़ा सा देखा था एग्जीबिशन। एक्चुअली आपको घूमना थोड़ा अच्छा लगता है। छोटा सा ये बर्तन का स्टोर था। देव आए डॉक्टर को दिखाने, है ना? देव ने कार ली है न्यू, दिखा देना देव, ऐसे सामने से दिखा देना। अभी 44 नंबर चल रहा है, अभी 60 है देव का। ये कौन सी कार है? ये येलो वाली, येलो कार है। आपको अच्छी लग रही है? और ये दोनों रात के अभी बज रहे हैं करीब 8:30। डिनर करने के बाद मैं इन लोग को फिर भी 1 घंटा टाइम देके, मींस ऐसा नहीं है लेकिन 1-2 पेज में लिखवाती हूँ। ये वही उसकी प्रैक्टिस बुक है, तो आज ये आई लिख रहे हैं और ये एल फॉर। और हम लोग वापस आ गए हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं वो देव को लेके गई थी डॉक्टर के पास, मेरे को जाना था। इसको 2 दिन से शायद इधर कानपुर में तो काफ़ी सर्दी हो गई है, तो यहाँ पर काफ़ी ठंड हो गई है, मीन्स सुबह शाम बच्चों के लिए तो हो ही गई है। तो इसको ना थोड़ा जुकाम ज़्यादा हो गया था, 1-2 बार वॉमिट कर दी थी, इसलिए मैं डॉक्टर के पास लेके गई थी। और फिर अभी बज रहे हैं 9:30, और मैं इस टाइम इसलिए व्लॉग ऐसे ही जस्ट कि मेरे को लगा चलो एंड अप करूँगी और थोड़ा सा बात भी कर लूँगी। और मैंने बहुत सारा ऑयल लगा लिया है अपने वालों पर, तो देखिए ये कैसा एकदम हो रहा है कि ऐसा। और अभी क्या है, हो सकता है दिवाली की शॉपिंग आप लोग ने भी कर ली हो। इधर मैंने अपने लिए ऐसा कुछ भी नहीं लिया है क्योंकि मेरे पास अभी कुछ न्यू ड्रेसेस क्या सूट्स वगैरह कुछ ऐसे रखे हैं जो मैं डालूंगी, क्योंकि लाइन से बैक टू बैक डालना पड़ता है 2-3 दिन, क्योंकि भाई दूज होता है और ये होता है। बट इस बार एक सूट है जो थोड़ा स्पेशल सा है, मैं अभी रिवील नहीं करूँगी वो किसने दिया है। वो अगर मेरा दिवाली तक रेडी हो गया तो मैं उसको दिवाली में मैं पहनूंगी। इन दोनों की आपको आवाज़ें आ रही होंगी क्योंकि दोनों बैठ के अपना होमवर्क कर रहे हैं। अभी स्कूल में इनके कुछ W स्टार्ट हुआ है तो मैंने आज इन लोगों को वही सिखाया है, तो अभी थोड़ा W और M लिख रहे हैं क्योंकि वो अपोजिट हो जाता है, तो ऐसा है। खैर छोड़िए, तो वो सूट अभी मैं रिवील नहीं करूँगी क्योंकि अगर मैंने वो रिवील कर दिया कि वो सूट मेरे को किसने दिया तो थोड़े से झगड़े हो जाएंगे, और निलय ने नहीं दिया है तो ऐसा है। तो वो सूट अभी मैंने शेयर नहीं किया है क्योंकि मैंने उसको स्टिच होने के लिए दिया है, तो पता नहीं डॉक्टर जो टेलर था मेरा वो बोल रहा था कि अभी तो बहुत सारा रश है, पता नहीं, लेट्स सी। पर चलिए छोड़िए वो। हाँ, तो मैं वो बता रही थी आपको, मैं जब वो अफवाह में गई थी वो जो छोटा सा मीन्स एग्जीबिशन टाइप का लगा था, तो वहाँ से मैंने
वहाँ पे सिल्क वगैरह का कलेक्शन ज़्यादा अच्छा था, बट मैंने वहाँ से वैसे कुछ क्लोथिंग में नहीं खरीदा है, मैंने खरीदे हैं ये इयररिंग्स। इयररिंग्स मेरे को बहुत अच्छे लगे थे, और मैं जिस बात कर रही हूँ, जिस सूट की बात कर रही हूँ, वो मेरे को अगर वो बन गया तो मैं शायद दिवाली में ये वेयर करूँ। ये मीनाकारी के, ये देखिए एकदम मीनाकारी के हैं। और इस बार क्या है, ये मैंने कोई चांद वाली या कुछ स्टेप में नहीं लिया है, ऐसा मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी कि मेरे को एक कुछ बड़ा सा स्टड डालना है। अगर ये इसमें नीचे ये ऐसे बीट्स ना भी होते तो मेरे को ये ज़्यादा पसंद होता, बट मैं काफ़ी दिनों से ढूंढ रही थी, बट मेरे को वैसे नहीं मिल रहा था यहाँ पे लोकल भी। और अगर ऑनलाइन ऑर्डर करती, मीन्स अपने मैं यूनिक क्रिएशन से भी खरीदती, तो फिर थोड़ा सा टाइम लगता, क्योंकि अभी कोरियर्स टाइमली थोड़े से डिले हो रहे हैं, कहीं कुछ है, रश है, ये वो, इसलिए। पर मेरे को बाय चांस मेरे को ये कलर मैचिंग बहुत अच्छी मिल गई, तो मैंने इसलिए ये लिया है। और मैं जब वो पहनूंगी तो मैं आपको, उस दिन मैंने वियर किया और मेरा स्टिच हो गया, तो मैं आपको दिखाऊंगी। और इमेजिन करिए, ये सिर्फ मेरे को ना 80 रुपीज़ में मिले, मीन्स उसने कुछ बोले थे 120, और मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे, मेरे को बार्गेनिंग करनी नहीं आती है, मैंने जस्ट ऐसे ही बोल दिया भैया 80 रुपीज़ में लूँगी, तो उसने दे भी दिए, तो पता नहीं उसने प्रॉफिट नहीं दिए होंगे, बट मेरे को अच्छे लगे थे, मेरे को एक कलर चाहिए था, इस वजह से मैंने लिया है। अगर मैंने दिवाली पे पहना सूट तो फिर ज़रूर मैं ये डालूंगी। इसमें पूरा ये मीना वर्क है, उसमें लास्ट, इसमें इधर मीनाकारी से है, लास्ट में ये क्रिस्टल्स लगे हैं, तो मेरे को ये बहुत अच्छा लगा। वैसे बीड्स के साथ भी अच्छा लग रहा है, अभी फेस ऐसा हो रहा है और ये ऑयल वगैरह, इसलिए शायद नहीं अच्छा लग रहा। एक चीज़ और, एक पार्सल और आया है, पता है मैं आप लोगों से ये शेयर करती हूँ, उसके बाद ना मेरे हस्बैंड वीडियो देख लेते हैं और बोलते हैं बाप रे तुम इतनी शॉपिंग करती हो। फिर लास्ट टाइम जब मैंने आप लोग से शेयर किया था कि कुछ तुम डेली शॉपिंग करती रहती हो, कुछ तुम रिव्यू का ही कुछ बना लो, रिव्यू का ही चैनल क्रिएट कर लो। नहीं नहीं इतनी नहीं, वो तो अभी बच्चे हैं, दिवाली है, और अभी कई सारे ऑफर्स आ रहे हैं, इसलिए मैं ख़रीद भी लेती हूँ। इस बार मैंने बच्चों के लिए मंगाया है ये कुर्ता पजामा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं जो है फर्स्ट क्राई से बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि फर्स्ट क्राई से एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि फर्स्ट क्राई में क्या है, तो कलर नहीं निकलता है, दूसरा इकोनॉमिकल मीन्स कॉस्ट भी ठीक होती है, थर्ड चीज़ मेरे को अच्छी लगती है जो कपड़ा होता है ना, आप चाहे स्वेट शर्ट बच्चों के लीजिए, आप टी शर्ट लीजिए नॉर्मल, मैं जैसे मैं घर पर भी जो बच्चों को टी शर्ट पहनाती हूँ, वो भी मेरी बेबी हक की रहती है, जो फर्स्ट क्राई है वो बेबी हक को ज़्यादा प्रेफर करता है। ये देखिए स्ट्रेट का, तो मैंने फिर से ये इन लोग के लिए कुर्ता पजामा मंगवाया है, और मैंने ये ध्यान पे रखते हुए मंगवाया है कि थोड़ा दिवाली पे भी वेयर कर लेंगे। और ये आज ही आया है, आज ही डिलीवर हुआ है, बेबी हक का है, ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। मैरून मैंने इसलिए मंगाया था क्योंकि जो मैंने लास्ट कुर्ता पजामा मेरे पास बच्चों के पास है वो थोड़ा लाइट कलर का है, तो वो गंदा हो जाता है। ये देखिए मेरे को इसका कंट्रास्ट बहुत ही सुंदर लगा, और मीन्स इन्होंने जो फिनिशिंग, मैं आपको बताऊँ मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जो फिनिशिंग आएगी या जो ये जो क्लियरिटी आएगी ये इतनी सुंदर आएगी, बट ये मेरे को बहुत अच्छा लगा है। और नॉर्मली इस रेंज के कुर्तों में ये जो बटन्स होती हैं, जो फैंसी बटन्स होती हैं, वो नहीं देते हैं, बट उन्होंने साथ में ये फैंसी बटन दिए हैं, और ये पूरा कॉलर पे वर्क दिया है, और इसके साथ दिया है ये कंट्रास्ट पजामा। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, ये देखिए इस टाइप से पूरा कॉटन फैब्रिक बहुत अच्छा है, ये नीचे से पजामी नहीं है जिसकी वजह से बच्चों को थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील हो, तो एक आप यही मान लीजिए पूरा पैंट टाइप का ही दिया है, जिसके नीचे भी नहीं खिसकेगा, बच्चों कंफर्टेबल होगा। बस मेरे को एक चीज़ इसकी नहीं अच्छी लगी, इसमें अगर ये इलास्टिक होता तो ये ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि ये बच्चों के लिए थोड़ा अनकम्फर्टेबल रहता है नाड़ा वगैरह, तो ये बट इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। और ये मेरे को पड़ा है, इसका जो कॉस्ट है मैं आपको बता दूँ, इसका जो कॉस्ट है वो है 699, बट कुछ अभी दिवाली कुछ ऑफर चल रहा था, कुछ तो ऐसा था, तो मेरे को 820 रुपीज़ में, तो आप लोगों को पता ही है मेरे को हर चीज़ दो लेनी पड़ती है और हर चीज़ दो सेम लेनी पड़ती है, तो मैंने ये दो मंगाए हैं कुर्ते बच्चों के लिए, तो दिवाली में ये तो ज़रूर पहन लेंगे। और एक चीज़ और, मैंने ये जो है 4 to 5 years का एज का मंगाया है, यूजुअली मैं 3 to 4 मंगाती हूँ, और 3 to 4 में बच्चों को अच्छे से बन जाता है, पर मैंने 4 to 5 मंगाया है, और ये बहुत मतलब 4 to 5 एज के हिसाब से अच्छा है। मेरे को एक बच्चे के लिए अपने जो वेद है उसके लिए थोड़ा ऑल्टर करना पड़ेगा, तो मैं करवाऊँगी, बट बहुत ही अच्छा है, अगर आप जाते हो तो यू कैन गो फॉर इट।
तो मैं आज का बहुत बातें हो गई हैं और ये जो व्लॉग है ये बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं इसको यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में फिर कल मिलेंगे, फिर कल आपसे कुछ बातें करेंगे। और प्लीज़ आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ करिए, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो कमेंट करके बताया तो करो यार आप लोग कि कौन कौन देख रहा है, कुछ है कुछ अपने सजेशंस जो भी हैं यार कुछ तो दिया करो यार, ऐसे पता चलता रहता है। जैसे अदर वाले मेरे चैनल पर अच्छा ठीक है अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा है तो उसमें भी आया तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा मोटिवेशन मिलती है कि नहीं नहीं चलिए कोई बात नहीं, जो भी है बातें हो गई हैं। गुड नाइट, बाय बाय।